तो वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। शिक्षकों से बात कर हल निकाले डीएम व अधिकारीगण। प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान का सीएम ने संज्ञान लिया है। लगातार शिक्षक 8 जुलाई से देखे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शिक्षकों द्वारा डिजिटल अटेंडेंस को लेकर 8 जुलाई से देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारीगण को दिशा निर्देश दिया है कि वो शिक्षकों से बात करें। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, कहा जा रहा है कि शिक्षकों से बात कर हल निकाले डीएम व अधिकारीगण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए ये कहा गया है। प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान का सीएम योगी ने अब संज्ञान लिया है, तो लगातार शिक्षक की बात की जाए 8 जुलाई से वो लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, लगातार देखिए जिस तरीके से शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण को दिशा निर्देश दिया है। बिल्कुल, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के 8 जुलाई का आदेश जारी किया गया था और 8 जुलाई दिन सोमवार को आदेश पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, लेकिन उसी दिन से शिक्षक संगठन पूरे प्रदेश में जो करीब तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा की उनकी आबादी है, वो सभी के सभी काली पट्टी बांध करके अपना जो विरोध है वो जता रहे थे। लेकिन कल फिजिकली तौर पर सारे अध्यापकों ने जब शिक्षण कार्य खत्म हो गया, ये कहा जाता है कि जब क्लासें खत्म हो गई, छुट्टियाँ हो जाती स्कूलों में, तब सभी मुख्यालयों में जो बेसिक शिक्षा कार्यालय है वहाँ पर जाकर के फिजिकली लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इस पर हस्तक्षेप किया है और सभी जिला अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और साथ ही साथ बेसिक के तमाम जो DG हैं या अन्य अधिकारी हैं उन्हें यह निर्देश जारी किया है कि इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करके इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये जो विरोध चल रहा है उसका पदक्षेप करें, इसे पूरी तरीके से हल करके ये दिखाएं कि किस तरीके से शिक्षक ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए और पूरे इस परेशानी का हल निकाला जाए, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसके पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि अध्यापकों के पास जाएं, उन्हें समझाएं और समझाने का प्रयास करें कि डिजिटल अटेंडेंस जरूरी क्यों है और क्यों इसे लागू किया गया है उसके बारे में भी बताएं। हालांकि उस निर्देश के बाद अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी कोई हल नहीं निकला था और सभी शिक्षक पूरी तरीके से अड़िंग थे और अभी भी सारे शिक्षक अड़े हुए हैं, उनका प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल उन्होंने फिजिकली प्रदर्शन किया है, आज फिर वो काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य करेंगे। देखना होगा कि आखिरकार सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों के द्वारा जो किए जा रहे हैं हस्तक्षेप में कितना बल मिलता है और कितना फायदा होता है। बिल्कुल संजय, अगर शिक्षक की बात की जाए तो देखिए वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। क्या लगता है शिक्षक की मांग सुनी जाएगी क्या, क्योंकि कई जगहों पर देखिए प्रभारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। बिल्कुल, शिक्षक लगातार किसी भी प्रकार से वो मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर एक ही उद्देश्य है कि इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इस पूरे आदेश को पूरी तरीके से बैरंग वापस लौटाया जाए, उसके बाद ही वो शिक्षक जो है वो तैयार होंगे। साथ ही साथ शिक्षकों ने एक और ऐलान किया है कि वो जो घर घर सर्वेक्षण जैसे तमाम 26 से 27 वर्क होते हैं उनको भी शिक्षकों के द्वारा करने के लिए कहा जाता है, शिक्षकों के जरिए ही कराया जाता है, उसे भी करने से शिक्षकों ने मना कर दिया। कई जगह पर देखा गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और